मैं डॉक्टर राजीव कुमार बंसल, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट एंड हेपेटोलॉजिस्ट, यानी कि पेट, आंत और लिवर के विशेषज्ञ हूँ। मैं आपको कुछ एसिडिटी के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ, जो कि अपने बीच में बहुत ही कॉमन डिजीज है। एसिड जो है वो निरंतर अपने पेट में बनता रहता है, लेकिन कुछ लोगों में कुछ जीवन शैली और या तो कोई रोगों के कारण वो कुछ कॉम्प्लिकेशन पैदा करता है और कुछ सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से आपको डॉक्टर के पास आने की जरूरत पड़ती है। एसिड जो है वो स्टमक में निरंतर बनता रहता है और वो खाने के पाचन के क्रिया में काम आता है। जैसे कि हम ये एक डायग्राम देखेंगे, जहाँ पे हमने बताया है कि अपने जो खाना खाते हैं वो मुंह के द्वारा फूड पाइप, जो कि हम उसे इसोफेगस कहते हैं, वो इसोफेगस में आता है और उसके बाद इसोफेगस से होता हुआ स्टमक में आता है। जो एसिड है वो हमारे स्टमक में बनता है और यहाँ पे जब खाना आता है तो एसिड जो है वो पाचन क्रिया में मदद करता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये जो एसिड है कई बार फूड पाइप में जाता है और वो कुछ सिम्टम्स लाता है, जैसे कि छाती में जलन होनी या बार बार डकारे आनी या मुंह में कुछ खाना आ जाना। बहुत लोग हमारे पास आते हैं ऐसे सिम्टम्स लेके, क्योंकि इंडिया में ऐसा देखा गया है कि हर 4 आदमी में से एक या दो आदमी को ऐसे सिम्टम्स अपने 7 या 8 दिन में एक बार जरूर होते हैं। नॉर्मली एसिड ऊपर आता है हर एक आदमी में फूड पाइप में, लेकिन हर एक में वो सिम्टम्स प्रोड्यूस नहीं करता, कुछ लोगों में वो सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है। जब ये एसिड ऊपर आता है और सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है, उस कॉम्प्लिकेशन को हम गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज कहते हैं। बहुत ही कॉमन सिम्टम्स जो गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज के हैं, वो सबसे पहला तो छाती में जलन होना, दूसरा है बार बार खट्टी डकारे आना, तीसरा मुंह में कभी कभी खाना जो खाया हुआ हो वो वापस मुंह में आ जाना, उसे हम वॉमिटिंग नहीं कहेंगे लेकिन रिगर्जिटेशन कहेंगे। अगर बहुत सारा खाना मुंह में आके बाहर निकलता है उसे ही हमें वॉमिटिंग कहेंगे। कई बार गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज के कारण दूसरे भी सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि बार बार खांसी हो जाना, रात को सोने के बाद खांसी होना या गले का आवाज चेंज हो जाना। ये सिम्टम्स जो कि बार बार अपने डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर अपने को कहता है कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, जो कि ज्यादातर बच्चों में देखा जाता है, वो गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज के कारण भी हो सकता है। इसलिए अगर आपको बार बार खांसी आ रही है, रात को उठ के बैठना पड़ रहा है, मुंह में खट्टा पानी आ रहा है और डॉक्टर बार बार एंटीबायोटिक दे रहा है, तो अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जरूर जाएं और इस बीमारी का निदान करवाएं। कई बार गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज है वो कॉम्प्लिकेशन भी पैदा कर सकता है अगर लंबे टाइम तक रह जाए तो। खाने में अगर डिफिकल्टी होना, यानी अगर किसी को हार्ट यानी छाती में बार बार जलन हो रही है और थोड़े दिन बाद उसको खाने या निगलने में कोई तकलीफ हो रही है, तो डॉक्टर के पास तुरंत जाएं। कई बार ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे स्ट्रिक्चर या वो फूड पाइप नैरो हो गई हो बार बार एसिड ऊपर आने की वजह से, या फिर लंबे टाइम रहने की वजह से वहाँ पे कैंसर होने की भी संभावना होती है। और दूसरा, कई बार यहाँ ये डिजीज के कारण वहाँ पे अल्सर होने हो जाते हैं और अल्सर ब्लीडिंग भी करते हैं और आदमी का खून कम हो सकता है। अगर आपका खून कम हो रहा है, छाती में दर्द या जलन हो रही है बार बार, फिर डॉक्टर के पास जाइए और अपनी एंडोस्कोपी जरूर करवाएं। जो एसिड रिफ्लक्स डिजीज है उसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे मुख्य कारण अभी अपनी जीवन शैली है। जो अपने खाना अगर टाइम पे नहीं खाते या फिर लेट नाइट में खाना खाते हैं, जो कि ज्यादा मोटे लोग हैं, जिनमें एक्सरसाइज की कमी है और जो अल्कोहल का सेवन करते हैं, उनमें ये अतः गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज पाया जाता है। इसलिए अपनी जीवन शैली को सुधारना बहुत ही आवश्यक है। दवाई लेने के बजाय अपनी जीवन शैली को जरूर सुधारें। ये डिजीज के लिए ट्रीटमेंट क्या क्या है? पहले तो आपको अपनी जीवन शैली को सुधारना है, जैसे कि मैंने बताया, मोटापा को दूर करना है, तली चीजें जो मिर्ची वाली चीजें हैं उसे कम खाना है, रात को लेट नाइट खाना नहीं है। दूसरा कि अगर आप लेट आकर खाना खाते हैं और उस सोने के बीच में कम से कम 3 घंटे का गैप रखना है। अगर आप 8 बजे खाना खा रहे हैं तो ये ध्यान रखिए कि आप 10:30-11 बजे के बाद ही लेटें। खाने के बाद थोड़ा चलना चाहिए, नित्य व्यायाम करना चाहिए और अल्कोहल, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू का सेवन नहीं करना चाहिए। दूसरा है, जीवन शैली सुधारने के अलावा मार्केट में कई सारी मेडिसिन उपलब्ध है जो कि अपने पेट में एसिड का सिक्रीशन कम करती हैं, वो दवाई अपने ले सकते हैं।
ये दवाइयाँ सिर्फ सिम्टम्स कंट्रोल करेगी लेकिन आपका जो कारण है वो दूर नहीं करेगी। दूसरा, अगर आप पूछेंगे कि ये दवाई अगर लॉन्ग टर्म दी जाए तो उससे कुछ कॉम्प्लिकेशन होता है कि नहीं, अगर ये दवाइयाँ लॉन्ग टर्म ली जाए तो इसका कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, पर सबसे पहला अपने को अपनी जीवन शैली सुधारना बहुत ही आवश्यक है। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो अगर वो एंडोस्कोपी के लिए बोलता है तो दो या तीन चीज का ध्यान रखें। अगर ये सिम्टम्स लंबे टाइम से हैं आपको या फिर उसका कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं, जैसे आपका हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, आपको खाने में निगलने में दिक्कतें आ रही है, आपका वजन कम हो रहा है, तो जरूर उससे एंडोस्कोपी करवाएं और उसी से अपने को पता चलेगा कि उसमें उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशन हो रहा है कि नहीं। अगर आप एंडोस्कोपी करवाते हैं और कोई कारण मिलता है गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज का, जैसे कि छोटा सा हर्निया होना, हर्निया को वो बोलते हैं कि आपका फूड पाइप और पेट का जंक्शन है, अगर वो ऊपर आ रहा है, उसके कारण आपको अगर चेस्ट पेन हो रहा है या बर्निंग हो रहा है, उसके कारण एसिडिटी हो रही है, तो हर्निया का ऑपरेशन करवाने के बाद ऐसा देखा गया है कि ये जो सिम्टम्स है गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज के वो कम हो जाते हैं। एंडोस्कोपी में कई बार जो कि लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है, फूड पाइप और स्टमक के बीच का अगर जंक्शन है, वो अगर ढीला हो गया है तो उसको भी ऑपरेशन के द्वारा रिपेयर किया जा सकता है और हम इस बीमारी से छूट सकते हैं। मैं कुछ संक्षेप में आपको गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज के बारे में बताना चाहूंगा कि ये बीमारी से न घबराएं, इसका इलाज जीवन शैली चेंज करने से जरूर होगा, जरूरत पड़ने पर दवाइयां भी है और अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन होता है उसके लिए सर्जरी है और एंडोस्कोपी द्वारा हम उसे ठीक भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, जीवन शैली को सुधारें, मोटापा कम रखें, खाने पीने में ध्यान रखें और नित्य व्यायाम करें तो इस बीमारी से बचा जा सकता है। धन्यवाद।